प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी संवाद में प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति को लेकर रखी अपनी राय। प्रदेश में इस वर्ष 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य, कृषि मंत्री ने कहा 2100 केंद्रों में होगी खरीदी। देश में अब तक 114 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और मुख्यमंत्री ने बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को 50% कम करने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोकतांत्रिक देशों का आह्वान किया है कि वे क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर संगठित रूप से कार्य करें। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र और डिजिटल क्षेत्र में अग्रणी होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्धि और सुरक्षा के लिए अपने सभी सहयोगियों के साथ काम करने को तैयार है। सिडनी संवाद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनसांख्यिकी और आर्थिक समृद्धि से पल्लवित हुई। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की नवाचार और उद्यमशीलता ने इसको सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल युग ने हमारी जीवन शैली को बदल दिया है। द डिजिटल एज is changing everything around us. It has redefined politics, economy and society. It is raising new questions on sovereignty, governance, ethics, law, rights and security. It is reshaping international competition, power and leadership. It has ushered in a new era of opportunities for progress and prosperity. प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक प्रतियोगिता और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने के लिए टेक्नोलॉजी एक बहुत बढ़िया जरिया बन गया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी और डेटा अब नए हथियार बनते जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत इसका खुलापन है। टेक्नोलॉजी एंड डेटा आर बिकमिंग न्यू वेपन्स। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी इज ओपननेस। एट द सेम टाइम we should not allow a few vested interests to misuse this openness. Friends, as a democracy and a digital leader, India is ready to work with partners for our shared prosperity and security. India's digital revolution is rooted in our democracy, our demography and the scale of our economy. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भविष्य के निर्माण के लिए पूर्व की चुनौतियों को अवसर के रूप में बदल रहा है। उन्होंने भारत में हो रहे 5 महत्वपूर्ण बदलावों को रेखांकित किया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि इस वर्ष 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। श्री चौबे ने राजनांदगांव में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए 2100 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार से 5,00,000 बारदानों के गठान की मांग की गई है, जिसमें से 70,000 प्राप्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 1,05,00,000 मीट्रिक टन भारतीय जनता पार्टी के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते उतना धान खरीदी करने हम जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमने धान खरीदी केंद्रों को भी बढ़ाया है।
1300 केंद्र हुआ करते थे पहले, अभी 2100 से ऊपर हो चुका है। छत्तीसगढ़ में जो बारदाने की बात है, हम लोगों ने केंद्र सरकार से 5.5 लाख गठान, क्योंकि जूट कमिश्नर केंद्र सरकार का है, उसको हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वहाँ से हम लोगों को अभी 70,000 के आसपास गठान बारदाने मिले हैं। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले दिन से ही किसान अगर अपने बारदाने में भी धान लाएंगे, हम उसकी खरीदी करेंगे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री ने बताया कि मोगरा बैराज अंतर्गत लगभग 50 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिससे यहां के किसानों को लाभ मिल पाएगा। राइट बैंक कैनाल का रिसेक्शनिंग का काम लिया है, LBC से और कितना विस्तार किया जा सकता है, आज उसी के लिए बैठक करने में आया था, देखा भी हूँ, अपने सारे आला अधिकारी को लेकर आया था। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में मोगरा का हम विस्तार करेंगे। गौरतलब है कि श्री चौबे राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड के ग्राम कुमरदा में आयोजित किसान सम्मान समारोह में शामिल होने आए थे। यहां उन्होंने पशु, कृषि, मत्स्य और उद्यानिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने 2,85,38,000 की लागत से कोनियारी जलाशय और नहर लाइनिंग का भूमि पूजन किया। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 114 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 73,44,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कल कोविड के 11,919 नए रोगियों की पुष्टि हुई, जबकि 11,242 मरीज स्वस्थ हुए। इस समय स्वस्थ होने की दर 98.28% है। वहीं प्रदेश में 24 घंटों के दौरान 27,651 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 27 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 18 जिलों में इस दौरान कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला है। साथ ही कबीरधाम, बलरामपुर, कोंडागांव, नारायणपुर और बीजापुर में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को 50% कम करने के निर्देश दिए हैं। घरेलू उपभोक्ता अब जारी की गई राशि से कम बिल जमा कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया है, उन्हें अगले महीने बिजली बिल में समायोजन कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के स्थायी निर्देशों के तहत सुरक्षा निधि लेने का प्रावधान है। हर वर्ष बीते 12 महीने के उपयोग किए गए बिजली की औसत खपत की गणना कर अक्टूबर में अतिरिक्त सुरक्षा निधि के अंतर की राशि ली जाती है। इसकी गणना प्रचलित टैरिफ के आधार पर नियम अनुसार पहले से जमा सुरक्षा निधि को घटाकर की जाती है। जितनी राशि का अंतर होता है, उतनी अतिरिक्त सुरक्षा निधि की देयता बनती है। कोरोना काल में पिछले वर्ष अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना इस वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी, जिसके कारण इस वर्ष एक साथ दो वर्षों के पश्चात गणना की स्थिति बन रही है। इस कारण सामान्य वर्षों की तुलना में इस साल के औसत बिल में वृद्धि हो गई। उपभोक्ताओं को इसके लिए वर्तमान में जारी बिल में किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। बिल जमा करते समय अब अतिरिक्त सुरक्षा निधि आधी करके जमा किया जा सकता है। उपभोक्ता को बिल सुधरवाने बिजली दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, अपितु उपभोक्ता बिल में अंकित अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि के 50% की गणना स्वयं करके बिल राशि से घटाकर इसे जमा कर सकेंगे। ये सुविधा पावर कंपनी के सभी मैनुअली बिलिंग काउंटर, ATP सेंटर और ऑनलाइन पेमेंट मोड पर उपलब्ध रहेगी। कबीरधाम जिले के आदिवासी बैगा बाहुल बोरला विकास खंड के अंतिम गांव में जंगली हाथियों के दल विचरण की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। वन मंडल अधिकारी दिलराज प्रभाकर ने आज सुबह बोरला विकास खंड के अंतिम प्रभावित गांव का निरीक्षण किया। ग्रामीणों से भेंट कर उन्होंने जंगली हाथियों द्वारा किसानों के खेतों में पहुंचाई गई क्षति का मुआयना किया। श्री प्रभाकर ने बताया कि सर्वे के बाद प्रभावित किसानों को नियम अनुसार आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। वन मंडल अधिकारी द्वारा आम जनों की सुविधा के लिए अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं और मुख्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। विभाग द्वारा आम जनों से अपील करते हुए कहा गया है कि जंगली हाथियों से कम 200 मीटर की दूरी बनाकर रखें और जंगली हाथियों की फोटो और सेल्फी नहीं लें।
वन मंडल अधिकारी ने बताया कि वन अमले द्वारा कबीरधाम जिले के अंतिम गांव से कुछ दूरी पर मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र में 14 सदस्यीय जंगली हाथियों को देखा गया है। इन हाथियों द्वारा अनेक किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत मिली है। हाथियों का यह दल कटघोरा से अचानक मार लोरमी में चांडा बजाग उमरिया अनूपपुर मवई लंपटी में विचरण कर रहा है। श्री प्रभाकर ने बताया कि हाथी द्वारा नुकसान पहुंचाने पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। मृत्यु होने की स्थिति में 6 लाख रुपए, स्थायी रूप से अंग भंग होने की स्थिति में 2 लाख रुपए, घायल होने पर इलाज कराने पर प्रस्तुत बिल के आधार पर अधिकतम 59,100 रुपए तक, पशु हानि पर अधिकतम प्रति पशु 30,000 रुपए तक, फसली नुकसान पर फसल का मूल्यांकन कर अधिकतम 10 हेक्टेयर तक की फसल नुकसानी की नियम अनुसार क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं, इस कहावत को चरितार्थ किया है महासमुंद के 13 वर्षीय जयप्रकाश दुबे ने। इस बच्चे ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार का मॉडल बनाया है। जयप्रकाश ने बताया कि उसने गूगल और अपने परिवार की मदद से जुगाड़ द्वारा एक इलेक्ट्रिक कार बनाया है। इसमें 22,000 रुपए का खर्च आया है। स्कूल में कि आजकल दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल गया है, इसलिए मेरे को यह विचार आया कि कुछ ऐसा जुगाड़ से कार बनाना चाहिए जो प्रदूषण को कम करे। फिर मैंने गूगल में कुछ चीजें सर्च मारी और मुझे पता चला कि कार बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, इसलिए मैंने कार को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करने का सोचा। फिर मैं एक बुक पढ़ा ऑनलाइन से, जिसका चिंटू प्रिया जो है मेरे गार्डनर। जयप्रकाश ने बताया कि इलेक्ट्रिक कार में 5 हॉर्स पावर का एक मोटर, मोटर कंट्रोलर, लॉक सिस्टम, लाइट, एक्सीलेटर, चार्जिंग कंट्रोलर, 4 12 वोल्ट की बैटरी, 4 साइकिल का पहिया लगाकर इलेक्ट्रिक कार तैयार किया। ये इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज करने पर 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये इलेक्ट्रिक कार 80 किलो का वजन एक बार में ले जा सकती है। जय आगे डॉक्टर रोबोट बनना चाहते हैं। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बटुकेश्वर दत्त के बारे में। आज महान स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की जयंती है। उनका जन्म 18 नवंबर 1910 को पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में हुआ था। दत्त का बचपन उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीता और वहीं उन्होंने पढ़ाई की। क्रांतिकारी के रूप में उनका जीवन किशोरावस्था से भी पहले शुरू हो गया था, जब उन्होंने कानपुर के माल रोड पर अंग्रेजों को एक भारतीय बच्चे की बेरहमी से पिटाई करते देखा। वो बच्चा सड़क पर घूम रहा था जो भारतीयों के लिए प्रतिबंधित था। इस घटना ने बटुकेश्वर दत्त पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रताप के संपादक सुरेश चंद्र भट्टाचार्य के माध्यम से दत्त सचेंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह उसी समय रिवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हुए। कानपुर में रहने के दौरान उनकी दोस्ती गहरी होती गई। दत्त ने बांग्ला भाषा सीखने में भी भगत सिंह की सहायता की और काजी नजरुल इस्लाम की कविता से उनका परिचय कराया, जिसे वे अक्सर गाते थे। 8 अप्रैल 1929 को ट्रेड डिस्प्यूट्स और पंजाब सेफ्टी बिल्स के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में धुएं के बम फेंके और निर्भीकता से इन गलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो जैसे नारे लगाए। बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बम केस में आजीवन कारावास की सजा हुई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए 2 बार भूख हड़ताल की। बाद में 1937 में उन्हें सेलुलर जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। वहां से दत्त को दिल्ली जेल और अंत में पटना जेल भेजा गया। दत्त को 8 सितंबर 1938 को रिहा किया गया क्योंकि कई बीमारियों के कारण उनकी हालत बिगड़ने लगी थी।
दत्त को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे किसी तरह की हिंसक राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे या हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ेंगे। रिहा होने पर जब उनकी सेहत ठीक होने लगी तो दत्त एक बार फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। बटुकेश्वर दत्त ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1947 में रिहा किया गया। 20 जुलाई 1965 को दिल्ली में कैंसर से बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु हो गई। भगत सिंह की 85 वर्ष की माता जी अक्सर अस्पताल में बटुकेश्वर दत्त को देखने जाती थीं। दत्त के इच्छा के अनुसार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के स्मारक के पास ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।